आईपैड पे चूचू टीवी नहीं देखते हैं तो इनको नींद नहीं आती है। तो पता चूचू टीवी के सब्सक्राइबर कितने हैं यूट्यूब पे? 1,10,00,000। यहाँ साला मुंह फट गया ट्विटर डाल डाल के, बड़ी मुश्किल से 1 करोड़ हुआ, बड़ी मुश्किल से 10,00,000 अभी पार हुए। और कंटेंट के नाम पे चूचू टीवी पता क्या है? मुर्गा अकड़ अकड़ के चलता है, उस पर मिलियनों उसके में व्यूज है उनके, इन इन कमीनों की वजह से। एक चूचू टीवी का व्यूअर मतलब 5 खानदान में लोग। और ऐसे बच्चे मतलब माँ बाप को भी मालूम है कि उनके घर में एक साइकोपैथ घूम रहा है, लेकिन वो उसको कुछ उखाड़ थोड़ी सकते हैं। ये बच्चा कुछ भी कर सकता है, ये अपनी आंख में चम्मच मांगेगा तुम्हारे मुंह में चाकू दे गए और तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम बोलोगे नो नो आर्यन लीव इट हॉ हॉ, देखो अंकल देख रहे बेटा ना, हॉ हॉ अंकल मारेंगे। मैंने कहा अंकल क्यों मारेंगे, तेरी औलाद है, तू लात मार इसके। एक बार पापा का फोन अपन ने उठा लिया गलती से, 9th-10th की बात है ना, जब आवाज बदल गई होती तुम्हारी से। गरीबों की आवाज सुनकर दौड़ के छत पर जाकर टाटा करने वालों, तुम्हारी आदत नहीं सुधरी तो अरे क्या बताऊं तुम बोलिए। हाँ पापा एक बार फोन उठा लिया अपने गलती से, ठीक है, ऐसे ऐसे ना फोन उठा लिया पापा जैसे शौक शौक। और तब पापा के पास फोन होता अपने पास नहीं होता, तो मतलब वो भी एक जमाने थे। और पापा के पास अभी जैसे 33-10 है ना नोकिया का, याद है किसी को? हाँ, उसको अपन जमीन में फेंकेंगे ना 4 टुकड़े हो जाता है वो, सो जोड़ सकते हैं। 33-10 के साथ क्रिकेट भी खेल सकते हो क्योंकि टप्पा भी खाता है। ज्यादा बहुत पुराना फोन, नोकिया चप्पल नाम था इसका, इतना बड़ा काला सब और मतलब भारी एकदम वजन वाला, मतलब यहाँ फेंक दू तो मतलब 13 की मौत 19 घायल वाला इतना भारी। तो एक दिन पापा का फोन बज रहा, पापा सो रहे और अपने पास तब ना लैंडलाइन से अपन भयंकर कंफर्टेबल होते थे, मोबाइल फोन मतलब ऐसे सर है ना, लैंडलाइन पे अपन उस लेवल पे थे अपन हेलो नहीं कहते थे अपन बोल, अरे उठा लेना उठा काट दे क्या कर रहा है क्या गाट सा गया तो मतलब लैंडलाइन पे अपन हेलो बोलते, अपन फोन उठा देते कहा भाई क्या चल रहा है, लेकिन पापा सो रहे। पहली पहली बार जिंदगी मोबाइल फोन आता है गैजेट की फील, इतना बड़ा काला सा मैंने उठाया हाथ में वाइब्रेट कर रहा है तमीज प्लीज, मैंने कुछ नहीं बोला है तो वो अबे क्या करो मुझे खराब लग रहा मत करो तो वाइब्रेट करा, मैंने उठाया था फोन, मैंने कहा हेलो, पहली बार है ना मोबाइल में तमीज से बात करते हैं, मैंने कहा हेलो जी कौन बोल रहे हैं, कोई आवाज ही नहीं उधर से, मैंने फिर से बोला, मैंने कहा हेलो हाँ जी कौन बोल रहे हैं, सिर्फ 10 सेकंड के पॉज पे उधर से रिप्लाई आया, तो क्या अब नाम भी बताना पड़ेगा, पहले तो मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने कहा पापा की हरकतें क्या है उसके बाद में हल्के हल्के रिस्पेक्ट करने लग गई मैं कुछ भी गया यार बापू अपना हैशटैग लाया मुझे लगा पापा कन्फ्रंट करेंगे, पापा ने कन्फ्रंट नहीं किया, मतलब ऐसा पापा ने कुछ बोला नहीं। फिर 2-3 साल बाद जब अपन कॉलेज गए ना, तो कॉलेज में अपनी जैसे लड़कियों की से बात बात हुई थोड़ी सी है ना, तो अपन ने एक भयंकर ही झूठ बोल दिया लड़की को एक को, ठीक है, मैंने कहा अगर तुमने मुझे फोन लगा के ऑल द बेस्ट और आई लव यू नहीं कहा, आदमी की जात इतनी घटिया जात है